अच्छा जुबैर, अब मुझे आपने ये बताना है कि वर्ड प्रेस आपको कैसा लग रहा है? ठीक बस ठीक नहीं लग रहा, जब नहीं से लग शुरू रहा। किया काम में ध्यान नहीं आया। अच्छा, एडवांस वर्डप्रेस पढ़ना है या नहीं पढ़ना? कोडिंग करते हैं, वर्डप्रेस तो फिर हो जाएगा ये। चले सही हो गया, ओके हो गया, ठीक है। तो आज से हम फिर शुरू कर लेते हैं लगातार। जी लारावेल, अभी लारावेल क्या है और क्या हमारी जो पीएचपी हमने अब तक पढ़ी, जावास्क्रिप्ट पढ़ी, अब तक एजेक्स पढ़ी, बूटस्ट्रैप, एचटीएमएल, सीएसएस, जो कुछ अब तक पढ़ा, क्या वो वहीं तक महदूद था? क्या लारावेल एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है? तो काफी सारी इस तरह के क्वेश्चंस हमारे जहन में फिलहाल आ रहे हैं। अब लारावेल जो है ये एक फ्रेमवर्क है जी जिसके अंदर पीएचपी ही इस्तेमाल होती है। ठीक हो। अब जब जो हमने पीएचपी फिलहाल पढ़ी है वो बहुत ज्यादा बेसिक लेवल अभी तक हमने पढ़ा है। तो चाहे अभी हमने उसके अंदर फंक्शंस बनाने सीख लिए, हमने एजेक्स लगानी सीख ली है, हमने पूरा पूरा क्रड बनाया है, डाटा टेबल लगाए हैं, हमने बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन बहुत बड़े बड़े स्टेप्स, बहुत बड़ी बड़ी लॉजिक्स वगैरह, जब क्लाइंट कुछ चीज मांगता है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, बड़ी बड़ी जॉइन की क्यूरीज, बड़े बड़े रिलेशंस, अभी वो सब कुछ हमने नहीं किया पीएचपी पर। जी और वो सब कुछ वहां पे पॉसिबल था, लेकिन मैंने आपको वहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवाया, मैं डायरेक्ट वो चीजें लारावेल के ऊपर आपको बताऊंगा। उसकी रीजन ये है कि मैं पर्सनली आपको रेकमेंड ये करूंगा कि क्लाइंट का जब कोई प्रोजेक्ट आए कोई कोडिंग के साथ, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप उसको लारावेल पे बना कर देना। जी अब लारावेल सबसे पहले तो क्वेश्चन है जी, व्हाट इज लारावेल? तो लारावेल जो है, लारावेल इज अ वेब बेस्ड पीएचपी फ्रेमवर्क यूज्ड टू डेवलप पीएचपी एप्लीकेशंस। अब ये सिंपल सी बात है, अब इसमें जो सिंपल बात में एक क्वेश्चन आएगा जी, फ्रेमवर्क क्या होता जी है? फ्रेमवर्क इन सिंपल वर्ड में, कोई डेफिनेशन या वो स्कूलों में जो पढ़ाई जाती है मैं उनमें नहीं जाता हूँ, मैं सिंपल वर्ड में आपको बताता हूँ। तो फ्रेमवर्क कुछ यूं होता है कि इसके अंदर डिफाइन कर दिया जाता है कि यहाँ पर सिर्फ आप क्यूरी लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ आपका फ्रंट एंड होगा, पूरे पूरे फोल्डर्स, पूरी पूरी फाइल्स बाय डिफॉल्ट बनी होती हैं, उन्हीं के अंदर हमने अपने फाइल्स अपना काम करना होता है। जी हर फ्रेमवर्क अपना खुद का जाती एक स्ट्रक्चर अपने साथ लेकर आता है, और लारावेल जो है वो भी अपना जाती स्ट्रक्चर अपने साथ लाता है। लारावेल में काम करने के फायदे क्या क्या हैं वो तो मैं आपको गिनवाने बैठूंगा, तो आप कहेंगे कि लारावेल पहले क्यों नहीं सिखाई इतनी मजे की चीज, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पहले क्यों नहीं सिखाई। खैर, लारावेल के ओके फायदे तो हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि लारावेल मतलब के ये किस तरह काम किस तरह कर रही है। तो ये वर्जन बाय वर्जन आती है। सबसे जी पहले कहीं दुनिया में लारावेल 1 लॉन्च हुई थी, फिर उसके बाद लारावेल 2 आई, फिर उसके बाद लारावेल 3 आई, 4 आई, 5 आई, और आजकल जो काफी पॉपुलर चलती है वो लारावेल 5 चलती है, लारावेल 5.6 वगैरह। लेकिन जो लेटेस्ट है जिसपे हम काम करेंगे वो लारावेल 8, 8 पॉइंट समथिंग वर्जन चल रहा है। मतलब लारावेल 8 जो है इस वक्त करंटली लेटेस्ट वर्जन है लारावेल का। जी लारावेल 9 जो है इन लॉन्चिंग है, लारावेल 9 कुछ जगहों पे डेवलपर्स के लिए लॉन्च कर दिया गया है, उस तक अभी हमें रसाई हासिल नहीं है कि हम उसको यूज कर सकें, अगर आ भी जाए तो अभी हमें उसका ज्यादा पता नहीं है, तो उसके लिए अभी आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंटेशन आएंगी, तो बहुत कुछ होता है। खैर, तो वो लारावेल 9 जो है
उसके बारे में हम जब वो आएगा तब डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ लारावेल 8 के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब लारावेल के जो वर्जन है इनका आपस में डिफरेंट है क्या, ये जानना बड़ा जरूरी है। लारावेल के जो पहले वर्जन थे और लारावेल का जो अब लेटेस्ट लारावेल 8 आया है, इसमें कोडिंग्स का काफी डिफरेंट मौजूद है जी कि इसमें हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो करनी होती हैं, जैसे स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि जाहिर बात है इसका स्ट्रक्चर बना होता है, फ्रेमवर्क है पूरा, तो हर चीज करने का एक एक स्ट्रक्चर दिया होता है इसने। तो लारावेल 8 में आके वो स्ट्रक्चर ही उसने बदल दिया, उस कोड का सेंटेक्स बदल दिया। अब इससे हुआ क्या कि जो कंपनीज ने अपनी वेबसाइट पहले लारावेल 5 या लारावेल 6 पे या 7 पे बनाई हुई थी, उन्होंने उसको जी वहीं रहने दिया, अपडेट नहीं किया और करते भी नहीं है। जिस भी लारावेल पे एक बार वेबसाइट रेडी हो जाए उसके बाद आप उसको लारावेल को अपडेट नहीं करते, क्योंकि अगर आपने वहां पे लारावेल को अपडेट कर दिया तो उस पे कई सिंटैक्स जो होंगे वो न्यू वर्जन पे या पुराने वर्जन पे चलते ही नहीं होंगे, तो वो भी काफी ज्यादा रोला क्रिएट हो जाएगा। जी तो इसीलिए ये होता है कि हाँ, अगर कोई कंपनी कहती है कि अब हमने लारावेल 8 पर जाना है, पहले हम लारावेल 7 पर थे, तो उसके लिए कंप्लीट काफी कुछ जो है डेवलपमेंट में चेंजेस आती हैं, काफी समझ लो कंप्लीट वेबसाइट ही दोबारा से बनानी पड़ जाती है। अब लारावेल के फायदों के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, कि लारावेल इसका क्या क्या एडवांटेजेस है। अब जैसा हम जानते हैं कि लारावेल एक फ्रेमवर्क है और दुनिया के पॉपुलर तीन और काफी यूज होने वाले फ्रेमवर्क्स में से एक है लारावेल, और स्पेशली ये पीएचपी के साथ आता है तो इसलिए थोड़ा आसान है इस्तेमाल करने में। तो इसके जो मेन फायदे हैं ना, उनमें सबसे पहली चीज ये है कि इसके अंदर बहुत सारे प्लगइन्स एप्लीकेशंस आपको बनी बनाई मिल जाती है। ठीक हो जिस तरह अभी हमने वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास प्लगइन्स के ऑप्शन थे, खैर वो तो जी ड्रैग एंड ड्रॉप प्लगइन्स थे, लेकिन ये ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता, ये कोडिंग वाले प्लगइन्स होते हैं। जी तो इसमें आप बहुत ही एक मशहूर एग्जाम्पल दूं तो इसके अंदर बिल्ट इन आपको मींस के बना बनाया ऑथेंटिकेशन सिस्टम मिल जाता है। ऑथेंटिकेशन सिस्टम से मुराद है जो लॉगिन सिस्टम होता है आपका यूजर का, ठीक वो सारा सिस्टम आप बआसानी लारावेल के अंदर सेटअप कर सकते हैं। कोई जिस तरह अभी पीएचपी के अंदर आपको सेशन बनाने पड़े थे, आपको जी खुद डेटाबेस में जाके यूजर्स का टेबल, उसका ईमेल, उसका पासवर्ड, और वो इतना सिक्योर्ड भी नहीं था, कोई भी पीएचपी को हैक कर सकता था इजीली, तो इसलिए ये लारावेल का अपना ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है और ये बहुत मजे की चीज होती है। सिर्फ दो तीन कमांड्स लिखनी पड़ती हैं और ये सेटअप हो जाता है। सेटअप होने के बाद ये आप इसको बआसानी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक उसके बाद इसका जो अगला फीचर है वो है कि ये सिक्योर, वेरी सिक्योर्ड है एज कंपेयर टू पीएचपी, सिंपल पीएचपी कह रहे थे। सिंपल पीएचपी जो वेबसाइट्स होती हैं वो हैक करना आसान होता है, लारावेल क्योंकि एक फ्रेमवर्क है बहुत ज्यादा एनक्रिप्टेड होता है तो इसको हैक करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक उसके बाद अगला जो इसका एडवांटेज आपको मिलता है वो ये कि ये एमवीसी इस स्ट्रक्चर पर बेस कर रहा होता है, जो मैं इसकी स्ट्रक्चर की, फ्रेमवर्क की स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो इस स्ट्रक्चर पे ये बेस कर रहा होता है, तो उसकी वजह से इसके कोड को अंडरस्टैंड करना, कोड के ऊपर काम करना वो थोड़ा आसान हो जाता है। जी अब एमवीसी है क्या, तो एमवीसी हमारे पास ये जो है एमवीसी, ये है मॉडल्स व्यूज और कंट्रोलर्स, ये हमारे पास एमवीसी है। लारावेल के ऊपर डेवलपमेंट करते वक्त हम
कंट्रोलर्स और मोटर्स दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े डेवलपर्स इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं, जी लेकिन दूसरा तरीके कार इसको मॉडल्स के बगैर सिर्फ कंट्रोलर्स के साथ भी काम किया जा सकता है, ठीक हो गया। और उसमें भी कोई मसला नहीं है, बड़े डेवलपर्स वो भी इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ कंट्रोलर के साथ काम करने का फायदा ये होता है कि उसमें आपको मॉडल्स के अंदर अलग से कोड नहीं लिखना पड़ता, नहीं तो आपको जो एक चीज होती है कि मॉडल्स के अंदर अलग कोड लिखना पड़ता है, फिर कंट्रोलर में उसका अलग कोड लिखना पड़ता है, तो थोड़ा सा चीज लेंथी हो जाती है। खैर, उसके बाद हमारे पास आता है अगली चीज, व्यूज। अब व्यूज क्या है? व्यूज आपका जो भी कोई पेज हमें नजर आता है, वेबसाइट को ओपन करें और सामने पेज खुलता है, या कोई भी पेज हम न्यू क्रिएट करें, तो चाहे वो कॉन्टेक्ट अस का पेज हो, ऑल प्रोडक्ट्स का पेज हो, प्रोडक्ट का डिटेल पेज हो, कार्ट का पेज हो, कोई भी पेज हो, वो व्यू कहलाता है लारावेल की फॉर्म में। जी अच्छा, अब अगली चीज, इसका जो छोटा सा डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है, वो दो डिसएडवांटेजेस हैं, जिनमें से एक हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो वर्जन जो है, वर्जन इश्यू इसका रहता है कि जब ये अपडेट हो जाता है लेटेस्ट वर्जन पे, तो आप उस न्यू वर्जन पे जा नहीं सकते हो, आप जिस वर्जन पे हो उधर ही रहते हो। जी उसके बाद एक और इसका छोटा सा इश्यू जो होता है वो ये है कि कोड जो है थोड़ा कह लो कि लेंथी हो जाता है एज कंपेयर टू सिंपल पीएचपी। उसका रीजन ये है कि इसमें आपको जिस तरह पीएचपी में क्या होता था कि हमारा जहां दिल चाहता था हम सेलेक्ट की क्यूरी, इंसर्ट की क्यूरी लगा के तो काम करते थे, इस पे ऐसे नहीं होता। इस पे इंसर्ट सेलेक्ट की क्यूरीज आपकी कंट्रोलर्स में लगती हैं। इसमें आपको व्यूज के फोल्डर के अंदर आपने व्यू की फाइल बनानी है, और उसके बाद उसका हमें राउट देना पड़ता है लिंक बनाने के लिए, लिंक भी हमें खुद बनाने पड़ते हैं। इसमें ऐसे नहीं होता कि हमने जो फाइल क्रिएट कर ली है तो उसका यूआरएल के ऊपर नाम लिखे कि लोकल होस्ट तो फलां फलां फलां, तो वो फाइल ओपन नहीं होगी। ठीक हो इसके गया। अंदर हमें लिंक्स खुद बनाने पड़ते हैं, जो कि एक तरह से चीज अच्छी भी है, थोड़ी लेंथी जरूर है, लेकिन इसमें इतना आपके पास वो एक फैसिलिटी आ जाती है कि आप अपनी मर्जी का लिंक वगैरह क्रिएट करते हैं। जी अब लारावेल, इसको इंस्टॉलेशन, ये सब कुछ ये किस तरह से होगा? तो जाहिर बात है, इसको चलाने के लिए सिर्फ ज़ैम्प नहीं, हमें लारावेल को इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, और लारावेल को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है कंपोजर, तो जी वो हमें कंपोजर, इसको हम ओपन करेंगे और डाउनलोड पे जाएंगे, और उसके बाद डाउनलोड पे जाने के बाद हमने करना ये कि स्क्रॉल डाउन करना है, और उसके बाद हमने यहाँ से ये इसको क्लिक कर देना है, ये लेटेस्ट वर्जन हमारे पास आ जाएगा, इसको हमने डाउनलोड करना है, तो बल्कि नहीं, ये फाइल दूसरी आ गई है, अरे बल्कि ये जो आ रहा है इसको आपने क्लिक कर देना सबसे ऊपर, ठीक है, तो ये आपकी एक्सी फाइल होगी, इसको ओपन करेंगे आप, और उसके बाद इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स करना है आपने, और यस कर देना है, फिर आगे नेक्स्ट 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 करते जाना है, तो आपका कंपोजर इंस्टॉल हो जाएगा। मैं अभी करूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, ठीक है, जी तो ये वैसे चले मैंने कर दिया है, खैर इसको मैं करके ही बताता हूँ आपको। आपने किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करना, ये सारा कुछ आपका खुद ही चलता जाएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, आपने फिनिश कर देना, ये हमारा इंस्टॉल हो गया कंपोजर। अब लारावेल का एक सबसे बड़ा फीचर जो हमारे पास मौजूद है वो ये है कि अगर हम यहाँ पे जाकर लिखें लारावेल, और लारावेल की अपनी वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाती है, इसको ओपन किया कर लें, और पहला बटन आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन का, इसको क्लिक कर लें,
ये हमारे पास लारावेल की सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मौजूद होती है। हमने जो भी कुछ करना है वो सारा कुछ ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा होता है, तो यहाँ से बआसानी बंदा चीजों को सीख सकता है। अब हमने लारावेल इंस्टॉल करना है और लारावेल का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ये हमने दो काम इंपॉर्टेंट करने हैं। अब वो होगा कैसे? कंपोजर हमारा इंस्टॉल हो गया है और अब हमने यहाँ पर जाना है और सिंपली करते हम ये हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड ऑन विंडोज और हमने स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और ये हमारे पास आ गया जी आपका। यहाँ पे लिखते हैं जी इंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन पे चले जाते हैं और बल्कि अभी भी इंस्टॉलेशन बन गया इंस्टॉलेशन और डॉक्यूमेंटेशन। अब हम नीचे आ जाते हैं। अब नीचे आएंगे यहाँ पे हमारे पास कुछ कमांड्स आएंगी इसकी। अच्छा एक चीज है इसमें कि आपको ये जो कमांड्स है ना इसमें थोड़ा ढूंढने में प्रॉब्लम होगी शुरू शुरू में, ठीक जी है, लेकिन उसके बाद से आपने परेशान नहीं होना। जो कमांड अभी मैं आपको बताऊंगा आपने वही अपने पास रखनी है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर जो पहली कमांड होगी आपकी, ये चार कमांड है आपकी फिलहाल, ये चार कमांड है आपकी। पहली कमांड आपने ये रन करनी है। अब कमांड आप पूछेंगे कहाँ रन करनी है, तो सिंपली आपने करना ये है कि सी एम डी ओपन कर लेना। सी एम डी अपने स्टार्ट मेन्यू में जाके लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। जी फिर आपने ये कमांड है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ तो चाहे तो आप इसको आके लिख ले, मतलब कंपोजर ग्लोबल ये सब कुछ लिख ले। अगर नहीं तो फिर आप कॉपी करके यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर सकते हैं अपने माउस के राइट क्लिक को क्लिक करके, ठीक है। देखो उसके बाद आपने इसको एंटर करना है। मैं अभी फिलहाल एंटर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एंटर करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। जी फिर वो आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लेता है। वो इंस्टॉलेशन होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, कोई तकरीबन आप कह लो कि इंटरनेट पर डिपेंड करेगा, 2-3 मिनट भी ले सकता है, 5 से 10 मिनट भी ले सकता है, 15 मिनट भी ले सकता है। जब तक कोई एरर ना आए तो अगर वो चल रहा है तो उसको चलने देना आपने, ठीक है। ठीक है अच्छा उसके बाद जब उसकी इंस्टॉलेशन खत्म हो जाएगी फिर आपने फिलहाल इसको क्लोज कर देना, बिल्कुल खत्म। अब आपने कर आप इधर से भी सकते थे लेकिन आपको ज्यादा आसान तरीके का मैं बताने लगा हूं कि आपने अब करना है एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट लारावेल का, बिल्कुल 0 मीटर प्रोजेक्ट बनाना, जी जिसमें बाय डिफॉल्ट लारावेल की अपनी जो फाइल्स होंगी अपनी स्ट्रक्चर होगा वो आएगा। उसको करने के लिए ये कमांड हमने रन करनी है, लेकिन ये कहाँ पे करेंगे? ये हम उस जगह जाकर करना चाहेंगे जिस जगह हम इसका प्रोजेक्ट की फाइल रखवाना चाहते हैं, इसका फोल्डर, जी ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि लारावेल के लिए जरूरी नहीं है कि आप जैम्प का HD डॉक्स फोल्डर उसके अंदर ही रखें, वो जरूरी ठीक नहीं है। कहीं भी रख देंगे लारावेल को जैम्प से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ डेटाबेस के लिए आपको जैम्प चाहिए, अदरवाइज लारावेल का जैम्प से कुछ लेना देना नहीं ठीक है। अच्छा अब मैं करूंगा क्या? आपने जो करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना विजुअल कोड ओपन कर लिया, फाइल पर क्लिक किया, ओपन फोल्डर को क्लिक किया, ओपन फोल्डर पे आके अब आपने यहाँ से अपना फोल्डर सिलेक्ट कर लिया कि मैं कहता हूँ जी मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ जुबैर लारावेल। तो मैं इस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। अब इस फोल्डर के अंदर हम अपने जो है लारावेल को, मतलब मैंने पहले विजुअल कोड को ओपन कर लिया इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। जी ये मेरा विजुअल कोड जो है वो जुबैर लारावेल के फोल्डर के अंदर ओपन हो गया फिलहाल, उसके अंदर अभी कोई भी फाइल नहीं है।
नहीं है। अब मैंने करना क्या, जिस तरह हम यहाँ पे सीएमडी चलाते हैं तो ये एक टर्मिनल कहलाता है। इसको हमने ये चीज याद रखिएगा कि अगर आप इन फ्यूचर जाते हैं बड़ी डेवलपमेंट में तो आपको एप्पल का मैक इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, तो उसमें टर्मिनल से बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो उसमें जीयूआई का बहुत कम इस्तेमाल होता है। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि ये जो क्लिक करने वाले बटन मिल जाते हैं ना हमें, उसमें इन चीजों का जी बहुत कम इस्तेमाल होता है। उसमें सारा काम कमांड्स लिख लिख कर हो रहा होता है। खैर, जी अब हमारे पास यहाँ पर टर्मिनल आ रहा है और टर्मिनल आपने न्यू टर्मिनल को क्लिक करना है। तो ये नीचे जो है आपके पास यहाँ पर ये टर्मिनल ओपन हो गया है इस फोल्डर के अंदर। जी अब इस फोल्डर के अंदर हमने ये दूसरी कमांड जो है ये वाली रन करनी है, और ये रन कुछ इस तरह से करेंगे। अब लारावेल न्यू, इतनी बात तो सेम ऐसे ही रहेगी कि न्यू लारावेल का प्रोजेक्ट है। एग्जाम्पल ऐप जो है ना, इसकी जगह आपने अपने प्रोजेक्ट का कोई नाम रखना है, कुछ भी। ठीक हो गया। अब जिससे मैं रख देता हूं हसन लारावल। अब मैंने जो नाम रखा है ना, इस नाम का एक फोल्डर बन जाएगा वहां पर, ठीक। जी तो अब हम करते हैं, इस कमांड को मैं रन कर देता हूँ। मैं इधर पेस्ट करूंगा और इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पर अरे के अंदर ही अगर ये रन करवा दें, चलो ये भी इंस्टॉलेशन आप देख लें कि कितना टाइम लगता है इसको। अब हम वो करके देखते हैं, चले यार। ओ सॉरी, मैंने दोबारा वही सेम ही रन कर दिया। अब हम ये रन करने की कोशिश करते हैं। अब ये इंस्टॉलेशन हो रही है। तो इन्होंने ये जो लेटेस्ट वर्जन आया है इसमें दोबारा ही छोटी सी चेंज आ गई है। तो चेंज करते रहते हैं चवल से। अब इसमें ये चेंज आई है कि आपने जिस फोल्डर में लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है ना, उसी फोल्डर में जी आपने पहली कमांड ये वाली भी रन करनी है, ठीक है। ठीक हो। तो ये इंस्टॉलेशन हो रही है, पैकेजेस वगैरह डाउनलोड करेगा, इसमें भी इंटरनेट का काफी अमल रहेगा। तो इंटरनेट आपने उस वक्त कंटिन्यूसली चलाई रखना। इसमें काफी कुछ आपको बना बनाया मिल जाता है और काफी कुछ वेल स्टेबल मिलता है। और पीएचपी में हमें सब कुछ बनाना पड़ता है, यहाँ पे सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। खैर, ये देखिए हसन लारावेल के नाम से एक फोल्डर बना आ गया मेरे पास। अब मैं जी चाहूं तो मैं यहाँ पर कमांड के साथ उस फोल्डर में जा सकता हूँ। मेरे ख्याल में अगर मैं यहाँ पे सीडी सीडी लिखते होते हैं अंदर जाने के लिए, और हसन लारावेल का फोल्डर का नाम है, और ये मैं हसन लारावेल के अंदर आ गया हूँ। जी इसको मैं यहाँ पे ओपन भी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ये फोल्डर पूरा ओपन हो गया कि मेरी एफ ड्राइव है, मेरा बाइलॉग का नाम है, उसका जुबैर लारावेल उसका मेन फोल्डर है, उसके अंदर हसन लारावेल है। अब हम अपनी अगली कमांड यानी के ये कमांड रन करेंगे, पीएचपी आर्टिसन सर्व। ये कमांड इसलिए रन की जाती है जब आपने प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को चलाना हो। जब भी आप अपना विजुअल कोड या टर्मिनल बंद कर देंगे तो आपकी ये कमांड भी खत्म हो जाएगी, आपका प्रोजेक्ट चलना बंद हो जाएगा। लोकल पर चलाने के लिए आपको दोबारा से पीएचपी आर्टिसन सर्व रन करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक हो। तो अब हम यहाँ से इसको करते हैं, पीएचपी आर्टिसन सर्व एंटर कर देते हैं। बस ये हमारे पास एक लिंक बन के आ गया जी, 127.0.0.1। ये हमारे पास आईपी एड्रेस आपके लोकल होस्ट पे बन के आ गया है। इस पे जी आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करना है, तो आपको ये ओपन हो गया है। ये आपका लारावेल, और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पहला लारावेल इंस्टॉल हुआ है। जी
यहाँ पे ये आपको बता देगा जी, लारावेल पे करंटली हमारा 8.77.1 वर्जन चल रहा है, पीएचपी का हमारा 7.3.29 वर्जन चल रहा है, और बाकी ये लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में जाने के लिए ये है, लारा कास्ट में ये जाने के लिए सब कुछ ये है। आज आपको इंस्टॉलेशन के बारे में भी बताया है, कल आपने इंस्टॉलेशन इसकी करनी है, ठीक है जी, इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट करनी है। और जाने से पहले जो बताना तो कल है मैंने, लेकिन एक बोनस पॉइंट आपको बता के जाता हूँ कि ये हमारे पास पूरा फोल्डर का स्ट्रक्चर इस साइडों पे आपको नजर आ रहा है जो लारावेल का बाय डिफॉल्ट आया है, ये हमने बनाया नहीं है बल्कि इंस्टॉल होके आ गया है हमारे पास। इसमें जो मैं व्यूज की बात कर रहा था, अब ये जो पेज हमें नजर आ रहा है ये एक व्यू है, ठीक है। अब जो व्यू है, ये व्यू पड़ा होता है आपका रिसोर्सेज, इसके अंदर व्यूज, इसके अंदर ये आपकी फाइलें यहाँ पर जो भी होंगी वो पड़ी होती हैं, जिस तरह ये अभी welcome.blade.php, यानी कि ये वाली जो फाइल है, ये वाली फाइल इन्होंने नाम रखा हुआ वेलकम, ठीक है। तो ये सारा कोड है, इसके अंदर आपको थोड़ी सी चीजें डिफरेंट दिखाई दे सकती हैं, बाकी सारा बूटस्ट्रैप ही है, HTML, Bootstrap, CSS, इसमें सब कुछ वो इस्तेमाल करेंगे हम, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इसमें हम जो PHP का इस्तेमाल व्यू के ऊपर करेंगे, यानी कि इस वाले व्यू जो भी हमारी यहाँ पे फाइल होगी वो इस्तेमाल हम कुछ नए तरीके से करेंगे, यानी कि ये एट द रेट लगाकर, ठीक है। तो अभी हम बोनस पॉइंट के लिए यहाँ पर इन्होंने कहा है लारावेल हैज वंडरफुल, तो मैं कह देता हूँ जुबैर इज वंडरफुल। तो अब हम जाके सर्च करते हैं, अब यहाँ पे जो लारावेल हैज वंडरफुल लिखा आ रहा था, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे अब लिखा आ गया जुबैर इज वंडरफुल, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला पेज है जिसमें हम चेंजेस करके अपने अभी फिलहाल चेंजेस देख सकते हैं, हम मजीद पेजेस भी क्रिएट करेंगे, लेकिन वो आज मैं अगर करने बैठा तो फिर आपको इंस्टॉलेशन नहीं करनी आएगी। तो पहले आप इंस्टॉलेशन करें, इसकी कोई मसला आता है तो आपने फिर मुझे मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। ठीक हो गया, चले फिर, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।